हेलो गाइस, आज मैं इस नमक इनिशियल और ये मेरा 230 वोल्ट का सप्लाई है और इसमें ये एक डब्बा है, प्लास्टिक का डब्बा, इसमें मैं पानी डाल के इस फिर मैं आज एक्सपेरिमेंट करूंगा। और ये एक मेरा वायर है, तो पहले इस वायर को हम इसमें अटैच कर दे रहे हैं। ये वायर को इस शेप में बना लिए हैं जो यहाँ पर फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद इस क्लिप से इस छोटा से इसको यहाँ पर दबा देंगे और इसे इस तरीक़ा से इधर कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया, इसका दोनों वायर गया है। अब इस वायर को अब इसमें हम 230 वोल्ट में सप्लाई दे देते हैं। ये 230 वोल्ट मैंने सप्लाई दे दिया और ये मैं देखा ये एसी के रेंज पे डाल दिया हूँ, 750 पे। अब हम इसका वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं, इसका वोल्टेज 222 230 के आसपास आ रहा है। आप देख रहे होंगे आप ठीक से देख ले, वहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एक्चुअली में 230 के आसपास है। अब मैं इसे अब हम इसमें वाटर डालेंगे और उसमें अपने उंगली को डालेंगे, देखेंगे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या नहीं लगता है। ये वाटर को मैं इसमें डालूंगा, तो पहले मैं उससे पहले मैं चेयर पे चढ़ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें डालूंगा। अब इस वाटर को मैं इसमें डाल रहा हूँ, इसमें मैं पूरा पानी डाल दिया हूँ और इसका जो दोनों वायर है, दोनों वायर पानी के अंदर है। आप देख सकते हैं दोनों वायर पानी के अंदर है और ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये वाटर को वेपर के फॉर्म में चेंज कर रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का हल्का सा बुला बुला चोर है। आप देखिए, अब हम अपना हाथ इसमें डालते हैं, देखते हैं करंट लगता है या नहीं लगता है। देखिए, इसमें डालने के बाद जरा भी हमको शौक नहीं लग रहा है, आराम से इसमें जब हम यहाँ पर हाथ डाल रहे हैं इसमें जरा भी शौक नहीं लग रहा है। देख सकते हैं इसमें जरा भी शौक नहीं लग रहा है। अब हम अपने उंगली को धीरे धीरे इसके पास ले जा रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद हमें हल्का हल्का इलेक्ट्रिक शॉक का महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जरा भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक का महसूस नहीं हो रहा है। जैसे जैसे इसके पास ले जा रहे हैं, लेकिन इस वायर के नज़दीक ले जाने पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक का महसूस हो रहा है, जैसे जैसे नज़दीक ले जाने वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर हमें शौक लग रहा है हल्का हल्का, जिस इसके नज़दीक ले जा रहे हैं यहाँ पर हमें शौक लग रहा है। अब ये मेरा एलईडी है, एक एलईडी इसमें डाल के देखते हैं ये जलता है या फिर नहीं जलता है। इसकी वायर को नहीं टच करना है, सिर्फ ऊपर से ले जाना है। देखिए, ये हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसके नज़दीक ले जाने पर ये ग्लो कर रहा है, जैसे इसके नज़दीक ले जा रहे हैं ये ग्लो कर रहा है, ये दूर ले जाने पर नहीं ग्लो कर रहा है और इसके नज़दीक ले जाने पर ये ग्लो कर रहा है। अब हम इसमें साल्ट डालेंगे, जैसे कि ये वाटर है ये कंडक्टिव हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। कंडक्टिव हो जाएगा, मैंने नमक डाल दिया, अब इसे मिला रहे हैं जिससे कि ये कंडक्टिव हो जाए। अब देखिए, ये कंडक्टिव होने के कारण ये स्पार्क करना शुरू कर दिया, लेकिन ये इसमें जरा भी स्पार्क नहीं, लेकिन हमें जरा भी इलेक्ट्रिक शॉक का महसूस नहीं हो रहा है। जरा भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं हो रहा है। ये जो आप चम्मच देख रहे हैं ये स्पून, ये मेटल का है और इसी से हम इसे मिला रहे हैं, ये हमें जरा भी इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं हो रहा है इसमें। अब हम इसमें अपना हाथ डाल के देखते हैं हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि हाथ डालने के बाद भी हमें जरा भी इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं हो रहा है।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह के टेक्निकल वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लग रहा है। यदि आपको मालूम हो तो जरूर आप कमेंट करें। मैं ऑन कर रहा हूं इसको। देखिए ये जो वायर है इसका पूरा का पूरा वायर वो जल चुका है। तो फिर हम मिलेंगे किसी ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।